प्रेगनेंसी शुरू होते ही हमारे माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि आने वाला बच्चा क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगी। बेटा और बेटी दोनों ही बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन माइंड में ये क्वेश्चन आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आने वाला बच्चा क्या होगा। वैसे तो अल्ट्रासाउंड से ये चीज़ें पता ही चल जाती हैं कि आने वाला बच्चा क्या है, लेकिन इंडिया में ख़ास करके ये चीज़ें बैन, बिल्कुल गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग गलत करते हैं, इसलिए ये मना है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला बच्चा क्या होगा। जो बुज़ुर्ग महिलाओं का एक्सपीरियंस रहता था, जो वो कहती थी वो 80 से 90% सही बैठता था, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिला के अंदर बहुत सारे, उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। इसी में एक बदलाव है मॉर्निंग सिकनेस होना। मॉर्निंग सिकनेस तो वैसे प्रेगनेंसी में सारी महिलाओं के साथ होता है, शुरुआत में पहले से तीसरे महीने तक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो लगभग सभी महिलाओं के साथ ये होता है कि उनको जब वो सुबह उठती हैं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, मॉर्निंग सिकनेस रहती है उनको बहुत ज़्यादा। लेकिन 1 से 3 महीना हो गया है उसके बाद भी आपको ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं, अगर पूरे 9 महीने तक आपको ये चीज़ें होती हैं, 8वां 9वां महीना लग गया है फिर भी आपको ये चीज़ें हो रही हैं, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपका जो आने वाला बच्चा है वो बेटी होगी। और जो ये मॉर्निंग सिकनेस होती है, अगर आपको शुरुआत में कुछ दिनों तक हुई या कभी कभी होती है, तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आने वाला बच्चा बेटा होगा। और एक सिम्टम्स और है जो तो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपका मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है तो आने वाला बच्चा बेटी हो सकती है, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता है तो आपका आने वाला बच्चा बेटा हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आने वाला बच्चा क्या होगा। वैसे तो जो भी आए वो अच्छा आए, इस दुनिया में सही सही आए, बस यही उम्मीद है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक ज़रूर करें।